Hello everyone, welcome to this channel and I'm going to talk about TCS NQT. तो यार ये है क्या नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो बेसिकली मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ. अगर आप 2017 और 18 के पास आउट बैच के स्टूडेंट्स हो तो आपने देखा होगा उस टाइम पे एस्पायरिंग माइंड्स एम कैट कंडक्ट करवाती थी, कोक्यूब्स का होता था टेस्ट, ई लिटमस होते थे बेसिकली. तो ये सब देख के आप क्या करते थे, ऑनलाइन टेस्ट देते थे और उसके बाद आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंटरव्यू कॉल्स. ओके, तो अभी TCS ने क्या किया, ये काम इन्होंने खुद ही करते हैं ये, ठीक है. ये किसी थर्ड पार्टी को नहीं देते, इन्होंने इसके लिए NQT निकाला है. और आप NQT ये बेसिकली हर सिटीज़ और हर फॉर डिफरेंट जॉब लेवल ये कंडक्ट करवाती है. तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो देयर आर डिफरेंट प्रोफाइल्स बेसिकली. TCS इनोवेटर का ये लेते हैं जहाँ पर पैकेज 9 to 11 LP होता है. TCS डिजिटल होता है जहाँ पर 7 to 8 LP पैकेज होता है. TCS निंजा इट हैज़ 3.5 to 4 LPA एंड देन TCS स्मार्ट ये 2.5 to 3 LP, बट ये BCA और BSc वालों के लिए है. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली BTech इंजीनियर और BE इंजीनियर्स. ओके, एंड इन दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द TCS इनोवेटर एंड TCS डिजिटल प्रोफाइल. ओके, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो एंड द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी सी बेटर होती है तो एटलीस्ट यू कैन क्रैक दिस TCS डिजिटल प्रोफाइल. ओके, तो इसमें हम इसका अगर सिलेबस की बात करते हो तो इसमें वर्बल एबिलिटीज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये क्वेश्चंस होते हैं. और इसके अलावा कोडिंग राउंड होता है, इसमें देर आर टू क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व विद इन 45 मिनट्स. ओके, तो हम ये सब की बात कर ही नहीं रहे इस वीडियो में, सिर्फ कोडिंग राउंड की बात कर रहे हैं जो कि चैलेंजिंग होता है. मोस्टली आप ये कर लेते हो बट स्टिल यू कुड नॉट पास दिस ऑल द टेस्ट केसेस इन दिस कोडिंग एंड यू जस्ट गॉट रिजेक्टेड. ओके, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स मूव टू द, तो इसमें क्या डिस्टर्बेंस करेंगे. सो वन ऑफ माय फ्रेंड हु रिसेंटली क्रैक दिस TCS NQT, तो आई गॉट टू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आस्क्ड इन दैट. सो आई विल टेल यू, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो. तो मैं फ्यू क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उसी से रिलेटेड वैसे टाइप के क्वेश्चंस कुछ कुछ आते हैं, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया. ओके, सो लेट्स मूव, सो लेट्स जंप टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये एक इस टाइप से क्वेश्चन आए थे, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं था बट इसी में कुछ वेरिएशंस थे. सो आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक आइडिया. सो अभी हम सॉल्व करने वाले ये टू सम प्रॉब्लम, आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन रेफर हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसको सॉल्व करने के बेसिकली पहले क्वेश्चन है क्या, तो गिवन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, इट रिटर्न इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट. यानी एक इंटीजर के एक आपको अरे दिया हुआ है और उसमें से और एक टारगेट दिया हुआ है, आप उस अरे में देखना है कौन से दो नंबर से जो दो नंबर ऐड होकर टारगेट के बराबर आते हैं. यू हैव टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दैट टू नंबर. सो एक टेस्ट केस को देख लेते हैं, जैसे ये अरे दिया हुआ है एंड हियर यू हैव टू चेक विच आर द टू नंबर विच एड्स अप टू एंड मेक इट 9. तो यहाँ पे देख रहे हो 2 + 7, तो इसके इंडेक्स क्या है 0 और 1, तो ये आपको रिटर्न करनी है एक अरे के फॉर्म में. दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन. तो इसको सॉल्व करने का बेसिकली दो तरीका है, एक तो नाइव सॉल्यूशन, आप बेसिकली बिगनर हो, आप जस्ट देखते नहीं हो कि हाँ ठीक है अरे दिया हो, आप लूप करते हो एंड देन फर्दर लूप करते हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर कर देते हो. तो यहाँ पे आप देखोगे लीड कोड बहुत ही सही वेबसाइट है, ये आपको ये बताती भी है कि अगर आपने इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर कर दिया है तो फॉलो अप क्वेश्चन क्या आने वाला है इंटरव्यू की तरफ से. तो बेसिकली ये रहता है कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस देन ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो इसके लिए भी आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड. सो नाउ लेट्स मूव टू द, तो मैं इसको यार जावा में सॉल्व करने वाला हूँ. आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो बट लॉजिक तो सेम ही रहेगा. सो लेट्स इट, तो मैं पहले ओ ऑफ एन स्क्वायर वाले लॉजिक से इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको बाद में ऑप्टिमाइज करते हैं. ओके, सो लेट्स जंप टू, और इसको बाद में फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. एक लूप चला दिया जो उसके ऊपर में चलता रहेगा एंड दैट्स आई विल यूज़ अनदर लूप, सो इट मेक्स इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी. अब ये जो आइटरेट होगा बेसिकली ये होगा i+1. हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने पहला आइटरेशन 2 i से चल रहा है तो दूसरा जो लूप चलेगा ये जस्ट इसके आगे से चलेगा और वो चेक कर रहा होगा इन दोनों में से किसी का सब टारगेट के बराबर आता है. दैट्स वाई चूज इन i+1. नाउ यू गॉट इट. ओके, एंड दैट्स अगेन दिस विल बी द लेस देन द नम डॉट लेंथ. इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो दोनों हमने यूज कर लिया बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा के हमने ओ एन स्क्वायर कर दिया, विच इज़ वेरी बैड बट या इट शुड वर्क दो इट विल टेक टाइम. सो इफ नाउ आई विल चेक हेयर नम्स ऑफ आई और जो हमारा दूसरा वाला इंडेक्स है
पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है बेसिकली नम्स ऑफ जे इनका सम दैट शुड इक्वल टू द टारगेट, अगर ये है देन वी गॉट द नंबर एंड आई विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दैट नंबर. ओके दैट्स फाइन. सो इफ दिस इज देयर, सॉरी या सो इफ दैट इज देयर देन आई विल जस्ट रिटर्न, अरे के अंदर इंडेक्स आई कमा जे, आई थिंक यू गॉट इट. तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट. अगर नहीं है तो ये आप जस्ट वॉट यू विल डू दिस इफ इज क्लोज दिस इज दिस सो यू विल जस्ट रिटर्न एम्प्टी एम्प्टी अरे. ओके दैट्स व्हाट. Let's run it. So I think you got an idea. Let's run first. Let's see if there is any compilation error or it's fine. What it is showing? Unexpected type. What is unexpected type? Nums of I. Okay, plus nums of j. Okay, that is equal to target, right? Here I'm checking the condition basically. It's fine. Sorry. Let's see. There should not be more compilation error. Okay, it's accepted. Let's run it for other test cases. So yeah, it's working. But you see, this is success, and it is taking 47 millisecond. And you saw this. कि यहाँ पे time complexity दो लूप चल रहे हैं n के अंदर हैं, so it's n square. So it's now though you will get a question कि यार इसको आप कम करो basically. तो उसको कैसे करेंगे? Okay. सो उसको सॉल्व करते हैं. अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा देन आई विल मेक इट इन अनदर वीडियो. सो ओके लेट्स कमेंट दिस सॉल्यूशन. नाउ आई विल सॉल्व इट. तो यहाँ पे मैं स्पेस का यूज करने वाला हूँ. तो मैं क्या करूँगा, एक मैप क्रिएट करने वाला हूँ बेसिकली. इसके अंदर रैपर क्लास यूज कर रहा हूँ मैं. इंटीरियर इंटीरियर एंड एम इक्वल टू and their implementation is hashmap basically. yeah that's cool. अब इसमें मैं क्या करूँगा, टाइम ऑफ्टिक के लिए मैं स्पेस का यूज कर रहा हूँ विच इज क्वाइट ऑब्वियस फॉर यू. या सो लेट्स कॉपी दिस वन. ओके तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स पड़ा हुआ है उसको हम मैप में स्टोर करा देंगे, उसकी कीज और उसकी वैल्यूज. ओके और हम वहाँ पे चेक करेंगे, बताता हूँ क्या है बेसिकली. एम डॉट इसके अंदर मेथड्स होता है यार, हैशमैप के अंदर कंटेंस की. और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो नंबर है बेसिकली टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई. तो ये अगर उसमें है ना आप क्या करो, रिटर्न करा दो इंडेक्स. एक सेकेंड, ये देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस. ओके वी हैव टू मिनट्स सो आई विल सॉल्व इट. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन टू मिनट्स. ओके रिटर्न एंड यहाँ पे हम ये रिटर्न कर देने वाला है. ठीक है, अगर वहां पे है तो ये इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा. राइट और गेट में आप ये डाल लोगे जे की तो उसका आपको वैल्यू मिल जाएगा. राइट अभी क्या कर रहा हूं मैं बताता हूँ थोड़ा और डिटेल में. सो नाउ यू विल गेट इट हियर. अगर यहां पे नहीं होता है तो आप सिंपली उस हैश में पुट कर दोगे. एम डॉट क्या पुट करोगे, तो ये की पुट करोगे और इसका इंडेक्स पुट करोगे बेसिकली. और ये इंडेक्स आप यहाँ पे फिर मंगा रहे हो. राइट तो अगर ये आता है तो ये कर दोगे, अगर नहीं हुआ तो आप लास्ट में रिटर्न करा दोगे ब्लैंक. ठीक है,